पठान की जबरदस्त सफलता के बाद शाहरुख खान ने साबित कर दिया है कि बॉलीवुड के असली किंग वह ही है, क्योंकि एक्टिंग के अलावा शाहरुख अपनी लग्जरी लाइफ के लिए भी काफी मशहूर है, जहां उनके पास महंगी गाड़ियां जैसे ऑडी, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज के शानदार कलेक्शन है। वहीं अब इस लिस्ट में एक और कार का नाम जुड़ गया है। दरअसल किंग खान ने हाल ही में अपने घर रोल्स रॉयस कुलिनेन ब्लैक बैज लेकर आए हैं, जहां मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस कार का शोरूम प्राइस 8 करोड़ 20 लाख के आसपास है। वहीं इसे पर्सनलाइज कराने के बाद इसका दाम 10 करोड़ के करीब पहुंच जाता है। वहीं अब सोशल मीडिया पर इस कार से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां इस क्लिप में यह कार मन्नत के अंदर जाती दिख रही है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब शाहरुख किसी लग्जरी चीज की वजह से सुर्खियों में आए हैं, क्योंकि इससे पहले उनकी कलाई में एक घड़ी देखी गई थी, जिसे कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी कीमत 5 करोड़ रुपए बताई गई थी। गौरतलब है कि पठान की सफलता के बाद शाहरुख के सितारे इन दिनों बुलंदियों पर हैं, क्योंकि हाल ही में उनकी इस फिल्म ने बाहुबली 2 को पीछे छोड़ सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म का तमगा अपने नाम किया है। वहीं अब इस फिल्म के बाद फैंस को उनकी जवान का बेसब्री से इंतजार है, जहां फिल्म में उनके साथ नयनतारा और विजय सेतुपति भी नजर आने वाले हैं। वहीं इसके बाद वह राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी में भी दिखेंगे। फिलहाल दोनों ही फिल्म पर तेजी से काम चल रहा है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डंकी को भी इसी साल दिसंबर में रिलीज करने की तैयारी है। वैसे शाहरुख खान को लेकर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।